प्रयागराज के स्वैक्स के कुलपति आरबी लाल के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गिरफ्तारी के बाद अब धर्मांतरण के सरगना को कोर्ट से झटका लगा है। प्रयागराज के जिला न्यायालय से आरबी लाल को जानलेवा हमले के मामले में राहत नहीं मिली और कोर्ट ने बीजेपी नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी को जान से मारने की नीयत से किए हमले के मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। दिवाकर नाथ त्रिपाठी पर वाइस चांसलर आरबी लाल और उसके दो साथियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगाया है। इस जानलेवा हमले में दिवाकर नाथ त्रिपाठी बाल बाल बचे थे। नैनी जेल में बंद आरबी लाल ने जिला न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। खुद को निर्दोष बताकर बीमारी का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी, लेकिन आरबी लाल के लंबे आपराधिक इतिहास को देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरबी लाल पर 25 साल में 29 मुकदमे हुए हैं, जिनमें 15 से ज्यादा मुकदमे अवैध रूप से धर्मांतरण के दर्ज हैं। प्रयागराज पुलिस ने साल के आखिरी दिन शूटआउट बीसी आरबी लाल को गिरफ्तार किया था। उसने उस दिन पुलिस को चकमा देने की तैयारी कर ली थी। पुलिस के आने की भनक लगते ही वो भागकर गेस्ट हाउस के पीछे स्थित कमरे में छिप गया। यही नहीं, बाहर से ताला भी लगवा दिया गया। कमरे में ताला लगा देखकर पुलिसकर्मियों ने रोशनदान से झांककर देखा तो वो कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। इसके बाद ताला तोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।